नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी ने आरएएस प्रीलिम्स 2021 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। अब ये जो नया सिलेबस जारी किया गया है, ये पुराने सिलेबस से कितना अलग है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और 200 अंकों का ये अधिकतम पेपर रहेगा। इसके अलावा साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टाइप की होगी, यानी ये जो प्रीलिम्स है इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, इसके आधार पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि जो पेपर का स्तर होगा वो स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन लेवल का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में जो कट ऑफ रहेगी उसको क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अब जीएस और जीके, ये जो आपका प्रश्न पत्र है प्रीलिम्स का, ये 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 150 प्रश्न होंगे, सभी समान अंक के होंगे और जो ऋणात्मक अंकन है यानी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 ऑफ मार्क्स होगी, यानी एक क्वेश्चन का जितना मार्क्स बनता है उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और यहाँ तक जितना भी सिलेबस में मेंशन किया गया है या जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो प्रीवियस जो आरएएस का सिलेबस है या जो इंस्ट्रक्शंस थे सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें आगे सिलेबस में क्या चेंज आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यही सिलेबस पहले भी हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक को डिफाइन नहीं किया हुआ था। यानी कि जैसे राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन प्रीवियस जो हमारा सिलेबस था उसमें केवल राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं इतना ही मेंशन किया हुआ था। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो उस सिलेबस का भी हिस्सा थी, लेकिन वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर क्या है कि उसको और ज़्यादा विस्तृत दिया गया है। जैसे कि प्रमुख राजवंश, इनमें आपको इनकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिनमें कि जो राजवंश हैं गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा, इनको मेंशन किया गया है। जबकि जब पिछली बार का जो सिलेबस था या पहले का जो सिलेबस था आरएएस का, उसमें केवल इतना ही दिया हुआ था कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा खोल करके सिलेबस को दिया गया है। हालांकि यही सारे राजवंश हम पहले भी पढ़ा करते थे और ये प्रीवियस सिलेबस का हिस्सा भी था, लेकिन इस बार इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है ताकि कोई भी अभ्यर्थी है उसको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको बकायदा सिलेबस में बताया गया है। तो यहाँ पर हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में वो सारी चीज़ें हैं जो कि पहले भी थी, उनको थोड़ा सा खोल के लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया हुआ था जनजाति और किसान आंदोलन, यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है कि 20वीं शताब्दी में जनजाति और किसान आंदोलन। इसी तरीके से प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये पहले भी सिलेबस का हिस्सा था। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, यानी कि जो राजा महाराजाओं द्वारा या अन्य जो प्रसिद्ध लोगों द्वारा कोई कुएं, बावड़ियां, नहरें, झीलें बनवाई गई हैं उनके बारे में, जो कि पहले भी सिलेबस का हिस्सा रहा है, राजस्थान की वास्तु परंपरा में हम पढ़ते रहे हैं। इसी तरीके से जो कला है जिसमें नृत्य हैं, संगीत है, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, नाट्य, ये सब कुछ जो है भाषा साहित्य, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन में जो मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषाएं, आभूषण, ये सब पहले भी हमारे सिलेबस का हिस्सा रहे हैं।
इसी तरीके से भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में भी कुछ डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ें पहले शॉर्ट में दी गई थी उनको थोड़ा अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु एवं वैदिक काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार जैसे कि आजीवक बौद्ध जैन, इन सभी टॉपिक्स को हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन इस सिलेबस में स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल, इनको बकायदा इसमें मेंशन किया गया है। पहले सीधा ही भारत के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां इस तरीके से सिलेबस में दिया हुआ था। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो वो है मैथ्स और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें थोड़ा सा टॉपिक्स को चेंज किया गया है। बाकी ये जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो या राजस्थान का इतिहास हो, पॉलिटी हो, सारा कुछ सिलेबस वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में रहा है। भूगोल की बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस वही है, केवल जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे पहले केवल इतना दिया हुआ था कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं इनमें मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अवक्षय, इनको स्पेसिफिकली जो है सिलेबस में जो डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ था। इसके अलावा जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान है, भारत का जो भूगोल है वो पूरा वही है जैसा कि पहले भी था। आगे देखते हैं राजस्थान का भूगोल, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। आगे देखें तो भारत के संविधान की बात करें तो सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। एक एक जो टॉपिक को बताया गया है जैसे कि भारत के निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, यानी कि इन सभी टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे मैथ का जो सेक्शन आएगा उसमें हम बात करेंगे कि क्या चेंज किया गया है। इसी तरीके से राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में भी सारी वही चीज़ें हैं जो पहले भी आया करती थी। अर्थशास्त्र की बात करें, आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें भी सारे वही टॉपिक्स हैं जो पहले भी सिलेबस का हिस्सा थे। यहाँ पर केवल उनको एक्सप्लेन करके टॉपिक को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी सारे वही टॉपिक हैं जो पहले भी सिलेबस का हिस्सा थे। चेंज जो दोस्तों आया है सिलेबस में वो अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो सारे वही टॉपिक हैं जो पहले भी आपको गाइड्स वगैरह में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा दिया गया होता था, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों जो मुख्य चेंज आया है, जो वास्तव में आप कह सकते हैं कि चेंज किया गया है सिलेबस में, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों रीजनिंग के टॉपिक वही हैं जो पुराने सिलेबस में भी हुआ करते थे, और एनालिटिकल रीजनिंग में वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। बात करते हैं मानसिक योग्यता की, तो इसके शुरू के 3 टॉपिक वही हैं, केवल दिशा ज्ञान परीक्षण ये टॉपिक नया है। इसके अलावा वेन आरेख, मिरर इमेजेस, घन, पासे, ये सारे टॉपिक्स एनालिटिकल रीजनिंग के हिस्से हैं, बाकी सारे टॉपिक्स सेम ही हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में कौन से टॉपिक नए ऐड किए गए हैं, कौन से हटाए गए हैं, तो अनुपात समानुपात पहले भी आपका टॉपिक था, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो इस बार इसमें ऐड की गई है। प्रतिशत पहले भी था, साधारण चक्रवर्ती ब्याज पहले भी था, समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्र ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण यानी जो पाई चार्ट है, रेखीय आलेख है, दंड आरेख है, सारणी है, ये पहले भी सिलेबस का हिस्सा था। नया जो टॉपिक है माध्य, समांतर गुणोत्तर, हरात्मक माध्य है, माध्यिका, बहुलक, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसके अलावा क्रमचय, संचय, प्रायिकता, जो
बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसा कि कोष्टक में लिखा गया है कि सरल समस्याएं यानी जो बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं आखिर के तीन, माध्य, माध्यिका बहुलक, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, ये नए ऐड किए गए हैं। एक आपका ये क्षेत्रफल वाला, एक पार्टनरशिप वाला, बाकी सारे टॉपिक्स वही हैं। कुछ जो टॉपिक्स पहले इसमें सम्मिलित थे उनको विलुप्त किया गया है, बाकी उनकी जगह ये नए टॉपिक आए हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। करंट्स की बात करें तो सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो कि पिछली बार भी, यानी प्रीवियस जो सिलेबस था उसका भी हिस्सा थे। तो ओवरऑल सिलेबस में जो चेंज है वो केवल आपको मैथ और रीजनिंग के इसी सेक्शन में जो है वो देखने को मिलेगा, और कुछ भी चेंज नहीं है। और ये भी काफ़ी आसान है, टॉपिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपके डाउट्स हम ज़रूर क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।